वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, और लास्ट क्लास में अपन ने इसके अंदर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑपरेटर पढ़े थे अपन ने, एक तो था डेल और दूसरा था नेबला। ठीक है, इन दो ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। डेल एफ एक्स का मतलब मैंने आपको बताया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और साथ ही नेबला के बारे में बताया था एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये दो ऑपरेटर अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे और इनके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इन ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है उन रिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर संकारकों के बीच में संबंध और उनके गुणधर्म। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नंबर एक प्रॉपर्टीज आती है कि भाई साहब कोई भी फंक्शन हो, सॉरी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, कैसा भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, जब भी उसके ऊपर आप अगर डेल ऑपरेट करते हो तो ध्यान रखना वो हमेशा जीरो होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट फंक्शन पर डेल ऑलवेज जीरो होता है, मतलब हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही आप, जैसे मान लो लेट एफ एक्स बराबर सी, ये कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है और वो कैसा है, माना है मैंने सी माना है, सी का मतलब यहां क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। तो इस एफ एक्स के ऊपर आप डेल ऑपरेट करो तो डेल एफ एक्स बराबर इसकी एफ एक्स, डेल की प्रॉपर्टी क्या होती है एफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहां आप x की जगह x प्लस एच रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, x इसमें है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब यहां आप कुछ भी प्रक्रिया करते रहो, यहां दो रख दो, तीन रख दो, चार रख दो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि x प्लस एच का मान कितना होगा c, और इसका मान भी क्या होगा c, तो c माइनस c बराबर क्या होगा, अर्थात किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन के ऊपर जब आप डेल को ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नंबर दो प्रॉपर्टी आती है इसमें, जो डेल होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो डेल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। तो ये क्या करता है दोस्तों, हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का हमेशा पालन करता है। क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है मतलब डेल सी एफ एक्स आप लेकर चलो तो आपको c डेल एफ एक्स मिलेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब c क्या होगा, बाहर आ जाएगा। करते हैं इसको सोल्व, में ये कंडीशन लेके चल रहा हूं, तो डेल c एफ एक्स बराबर इसमें मैं डेल ऑपरेट करता हूं तो c तो मेरा ऐसा का ऐसा, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस, फिर c वापस ऐसा का ऐसा, यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, दोनों में c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन ले लेता हूँ, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये अंदर वाली प्रॉपर्टी किसकी है दोस्तों, ये डेल एफ एक्स की तो है, तो c डेल एफ एक्स, मैं ये कंडीशन लेकर चला था, ये कंडीशन मिल गई, अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ, ये कम्यूटेटिव नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन के ऊपर अगर आप डेल को ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, ये जीरो देगा। नंबर दो कंडीशन हमेशा क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। नंबर तीन चलते हैं इसके ऊपर, ये ध्यान रखना हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है, मतलब बंटन गुणधर्म का भी पालन करता है। तो देखना, तो नंबर तीन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि बंटनता गुणधर्म। ठीक है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। अब कई दोस्तों को ये भी नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ध्यान से देखना, डेल एफ प्लस जी है तो ध्यान रखना ये डेल एफ प्लस डेल जी लिखा जाता है, यही क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यानी कि आपको लेकर चलना है, देखना एक नजर डालते हैं इस पर, डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स लेकर चलूंगा, मिलेगा क्या मुझे, डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं, तो देखना एक बार मैं ये एल एच एस साइड लेकर चलता हूं, तो डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर, इस पे डेल ऑपरेट करता हूं, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, फिर माइनस यहां एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्लियर, इसको और इसको मैं एक साथ लेता हूं, तो देखना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फिर प्लस ये जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। क्लियर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का मैंने इसके साथ में ले लिया और ये माइनस वाला मैंने इसके साथ में ले लिया। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं डेल एफ एक्स लिख सकता हूं, तो डेल एफ एक्स प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल जी एक्स लिख सकता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो मैं लेकर चला था डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कंडीशन में लेकर चला था और मुझे मिल गई डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये बंटनता गुणधर्म का पालन करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये पालन करता है। इसको डेल एफ प्लस जी यानी कि एक्स हटाओ तो डेल एफ प्लस डेल जी, यही क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो नंबर तीन प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूफ होती है। नंबर चार प्रॉपर्टी कहती है इसकी लीनियरिटी यानी कि रैखिकता। देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, नंबर चार प्रॉपर्टीज आती है इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी कि रैखिकता गुणधर्म। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, इसके बारे में देखना आप एक बार, इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है डेल सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स बराबर सी वन डेल एफ एक्स प्लस सी टू डेल जी एक्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट। वैसे तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट ध्यान में होनी चाहिए, डायरेक्ट ध्यान में रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी सी आपको पता है किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो देखना यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसकी एल एच एस साइड लेकर चलता हूँ मैं, तो डेल सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स बराबर, सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी यहां लगा सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था कि डेल अगर बाहर है तो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, डेल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके अनुसार हम डेल को अंदर लेके जा सकते हैं, तो डेल सी वन एफ एक्स प्लस डेल सी टू एफ एक्स कहां से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, डेल को अंदर ले गया। अब बाय कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेल को किसी भी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस जो मेरा सी वन है इसको मैं क्या कर सकता हूं, बाहर की तरफ निकाल सकता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इस सी वन को मैं लिख सकता हूं सी वन डेल एफ एक्स प्लस सी टू डेल एफ एक्स, कहां से लिखा, जो नंबर दो प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर दो पे अपन ने लिखा था ना कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इधर उधर करके लिख सकते हो, ऐसा अपन ने लिखा था ना, जो नंबर दो प्रॉपर्टी क्या थी, डेल सी एफ एक्स बराबर अपन ने लिखा था सी डेल एफ एक्स, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, सी को मैं बाहर ले गया, ये अंदर आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो नंबर चार प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। नंबर पांच प्रॉपर्टीज आती है इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक नियम। तो देखना
लॉ ऑफ इंडिसेज यानी कि घातांक नियम। घातांक नियम क्या कहता है? घातांक नियम कहता है डेल की पावर एम, डेल की पावर एन बराबर डेल की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये कहता है घातांक नियम, मतलब इसकी कुछ पावर है, इसकी कुछ पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी। बेसिकली हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि अगर आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इन दोनों का आधार भी क्या है? बेस क्या है? अगर बेस समान हो तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है? एड हो जाती है। यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो गई? एड हो गई। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको अगर आप प्रूफ करना चाहो तो देखना, मैं डेल एम और डेल एन को लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी पावर एम है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल डॉट डेल डॉट डेल कितनी बार है? एम बार है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और फिर डेल डॉट डेल डॉट डेल डैश डैश कितनी बार है? एन बार है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब एक चीज देखो आप मेरे पास, अगर 2 की पावर 10 बार हो और 2 की पावर 20 बार हो, तो आप ये लिख सकते हो ना, 2 की पावर 10 प्लस 20 यानी कि 2 की पावर 2 कितनी बार है 30 बार है, यानी कि 2 की पावर 30 लिख सकते हो ना। एक ही बात, आप देखो आधार को जोड़कर देख लो, ये 30 हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज लिखी जा सकती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डेल डॉट डेल डॉट डेल डैश डैश एम प्लस एन बार। बोलो ये चीज समझ में आई? देखो बेसिकली इसी को देखो आप, मैंने क्या किया, 2 मेरे पास कितनी बार है 10 बार है। ठीक है, फिर मेरे पास 2 कितनी बार है 20 बार है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको देखो आप, ठीक है 20 बार है, तो मैं इसको 2 गुणा 2 गुणा डैश डैश, मैं इसको 10 प्लस 20 बार भी तो लिख सकता हूँ। बोलो ये कहानी समझ में आई? इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 10 प्लस 20 लिख सकता हूँ ना। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ की है। अब देख लो बेसिकली भी आप 10 प्लस 20 ही आएगा, ऐसे भी इसी प्रकार से लिखा जा रहा है, कोई फर्क थोड़ी ना इनमें कुछ भी। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डेल डॉट डैश डैश एम प्लस एन बार। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डेल की पावर एम प्लस एन, ये कंडीशन इसकी लिखी जा सकती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहाँ से देखना घातांक नियम क्या कहता है, डेल की पावर एम, डेल की पावर एन बराबर क्या होता है? डेल की पावर एम प्लस एन होता है दोस्तों। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे आता है प्रोडक्ट। ठीक है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट और उसके ऊपर फिर डेल ऑपरेट करना। ठीक है, नंबर 5 प्रॉपर्टी आती है प्रोडक्ट के लिए आती है, आप लिख सकते हो इसको द फाइनाइट डिफरेंस, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ टू द टू फंक्शन प्रो द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब 2 परिमित फलनों का गुणन। ठीक है, उसके ऊपर हमें डेल को ऑपरेट करना है। तो देखना डेल, 2 फंक्शन मैंने, एक एफ एक्स मान लिया, एक जी एक्स मान लिया, इन दोनों को क्या करना है? आपको गुणन करना है। तो ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टी जो होगी, इसका रिजल्ट आएगा एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स, फिर प्लस, फिर जी एक्स ऐसा का ऐसा डेल एफ एक्स। ये क्या होती है? ये नंबर 5 प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना दोस्तों इस प्रॉपर्टी को, याद रखना, क्वेश्चंस आगे करेंगे तब हम ये सारी प्रॉपर्टीज काम में लेंगे। इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे जाते हैं, कई बार ये प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती है, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? प्रॉपर्टीज में आपको इसलिए करवा रहा हूँ, इनका प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ कि मान लो इन दैट केस एग्जाम में पूछने की इतनी संभावना नहीं होती, लेकिन कई बार प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है कि भाई इसका रिजल्ट सर ने क्या बताया था। अब अगर वो चीज़ अपने इस दिमाग से स्लिप हो गई तो हमें ये नहीं याद रहेगा कि इसका रिजल्ट क्या आया था। ठीक है, रिजल्ट अगर हमारे दिमाग से स्लिप हो गया, जैसे मान लो डेल एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स प्लस एक्स डेल जी एक्स, फिर प्लस, फिर जी एक्स, फिर डेल एफ एक्स, यही है
ठीक है, क्लियर। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ एफ एक्स था या एफ एक्स प्लस एस था या जी एक्स प्लस एस था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का सॉल्यूशन, अगर उनका प्रूफ हमें निकालना आता है तो 2 सेकेंड का प्रूफ होता है, ज़्यादा जोर मारे 30 सेकेंड मान लो, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगती, तुरंत पीछे रफ कॉपी में किया, रिजल्ट मिल गया, पता चल गया कि हाँ यही क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है। अब इसको मैं याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं यू इंटू वी, ठीक है, यू वी का मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यू को ऐसा का ऐसा रखता हूँ, फिर इसका डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस, फिर मैं वी को ऐसा का ऐसा रखता हूँ और इसका डिफ्रेंशिएट, यही करते हैं अपन, ठीक है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे के ऊपर डेल, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा, पहले के ऊपर डेल, बस इतना सा ध्यान रखना, जब शुरुआत करो तो वहां प्लस एच जरूर कर देना, बस यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, बस ये चीज ध्यान रखना इतनी सी। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ देखना आप, डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं एफ x प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स में जोड़ दूंगा और घटा दूंगा। तो देखना एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच, फिर प्लस मैं एफ एक्स प्लस एच जोड़ दूंगा इंटू जी एक्स और यही टर्म में घटा दूंगा, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, फिर माइनस एफ एक्स जी एक्स। क्लियर, यहां से आप एक चीज देखो, इसको और इसको एक साथ लो ताकि ये एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा, फिर तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, फिर बचा हुआ एक साथ ले लो, प्लस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। क्लियर कहानी, यहां से इतने में से मैं क्या करता हूं, एफ एक्स प्लस एच मेरे पास कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो एफ एक्स प्लस एच में कॉमन ले लेता हूं, अंदर मेरे पास बचेगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, फिर प्लस, इसमें से मेरे पास जी एक्स कॉमन आ रहा है तो मैं जी एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर, इसको क्या लिख सकते हो आप, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स क्या लिखा जाता है, डेल जी एक्स लिखा जाता है, तो एफ एक्स प्लस एच ये क्या हो गया, डेल जी एक्स, फिर प्लस ये जी एक्स ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल एफ एक्स लिख सकते हो, यानी कि डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर आपको क्या मिला, ये कहानी आपको मिली। ठीक है, तो ये इसकी नंबर 5 प्रॉपर्टी भी प्रूफ होती है, ये भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन में हम एज इट इज काम में लेंगे, क्वेश्चन में वहां हम निकालने नहीं बैठेंगे, ठीक है, लेकिन ये करवाया इसलिए कि कभी कभार या तो एग्जाम में पूछ लो मान लो, या फिर आप इसके दिमाग से आपके स्लिप हो जाए तब आप इसको काम में ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसकी अंतिम प्रॉपर्टी लेते हैं, 6 नंबर प्रॉपर्टी आती है डिवाइडेड वाली, ठीक है, इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट है द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन, द फाइनाइट डिफरेंस, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन, तो इसको लिख सकते हो आप, दो फलनों के भागफल का, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, ठीक है, दो फलनों के भागफल का हमें फाइनाइट डिफरेंस देखना है, ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, गुणनफल के देखा था, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर हमने देखा था, अब हम क्या देखेंगे, इनके भागफल का देखेंगे, तो देखना इसका प्रूफ, डेल
एफ एक्स बटा जी एक्स बराबर ये होता है आपके पास, ये होगा आपके पास जी एक्स प्लस एच जी एक्स, फिर जी एक्स डेल एफ एक्स, फिर माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स। ये प्रॉपर्टीज होती है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, देख लेना एक बार यही आता है क्या। ठीक है, थोड़ा सा मेरे इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी इसको प्रूफ कर लेंगे, शायद यही होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। तो डेल एफ एक्स बटे जी एक्स बराबर, ठीक है, इस पर डेल ऑपरेट करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच बटे जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे जी एक्स, डेल ऑपरेट कर दिया। मैं नीचे वाला पार्ट एलसीएम लेता हूँ तो जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, ठीक है, बिल्कुल एकदम यही आएगा रिजल्ट इसका। ठीक है, यही रिजल्ट आएगा। अब देखना, मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास जी एक्स और एफ एक्स प्लस एच, यहाँ प्लस आता है, सॉरी माइनस ही तो आता है, प्लस नहीं आता, माइनस, फिर ये एलसीएम लिया, फिर माइनस, यहाँ आएगा जी एक्स प्लस एच और एफ एक्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखो, आपके पास एफ एक्स प्लस एच भी है, आपके पास जी एक्स प्लस एच भी है, मतलब एक तो डेल जी एक्स बनेगा, एक डेल एफ एक्स बनेगा, क्योंकि आपके पास जी एक्स प्लस एच भी है और आपके पास एफ एक्स प्लस एच भी है, आपके पास दोनों टर्म्स है। तो यहां से देखना आप, मैं क्या करता हूँ इसमें, मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे जी एक्स एफ एक्स की ज़रूरत है, मैं क्या करता हूँ इसमें जी एक्स एफ एक्स जोड़ देता हूँ और जी एफ एक्स घटा देता हूँ। तो देखना जी एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स में घटा देता हूँ, जोड़ देता हूँ, और एफ एक्स जी एक्स में घटा देता हूँ, फिर माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स बटे जी एक्स प्लस एच और जी एक्स। क्लियर कहानी यहां तक। अब मैं क्या करता हूं आगे, इसको और इसको एक साथ लेता हूं, तो देखना जी एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, फिर प्लस, फिर देखो मैं माइनस को इसमें से, पूरे में से मैं ये मैंने ले लिया, अब इसमें से और इसमें से मैं माइनस तो बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, माइनस में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा जी एक्स प्लस एच एफ एक्स, और ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर लिया तो, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एफ एक्स जी एक्स। क्लियर कहानी। अब देखो और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आपके पास जी एक्स प्लस एच और साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों, जी एक्स आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। आगे देखना बराबर, अब देखो इसमें से और इसमें से मेरे पास जी एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैं जी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, नीचे लेता हूँ, ठीक है, या ऊपर से मिटा देते हैं, अब देखो जी एक्स कॉमन आ रहा है यहां से, तो जी एक्स कॉमन लूंगा, बचेगा क्या एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्योंकि जी एक्स तो कॉमन आ गया, तो बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फिर आगे चलो, यहां से पूरे में से मैं क्या करता हूं एफ एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से माइनस एफ एक्स कॉमन लो, तो अंदर बचेगा आपके पास जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बटे जी एक्स प्लस एच और जी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एफ एक्स लिख सकता हूं, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल एफ एक्स लिख सकते हो। तो देखना ये जी एक्स और ये डेल एफ एक्स, फिर माइनस ये एफ एक्स और ये क्या बन जाएगा, डेल जी एक्स बटे जी एक्स प्लस एच और साथ में क्या आ गया दोस्तों, जी एक्स आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो यहां से ये अपना रिजल्ट आ गया, ठीक है,
डेल एफ एक्स बटे जी एक्स। एक तो रिजल्ट ये, एक अपना था डेल एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। ये दो सबसे ज्यादा याद रखने वाले हैं। इसका रिजल्ट आया था एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस डेल प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे, और मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ये दो प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चंस के रूप में सबसे ज्यादा इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। एक बार हम इन प्रॉपर्टीज को, मैं एक बार दोबारा आपको ये बता देता हूं कि इनको याद कैसे रखना है, तो इसकी कहानी तो वापस वही, दोनों के लिए आप डिफ्रेंशिएट पे जाओ, ठीक है। दोनों के लिए आप डिफ्रेंशिएट पे जाओ, तो डिफ्रेंशिएट क्या कहता है, यू इंटू वी से करते हो, ठीक है, यू इंटू वी से करते हो आप, तो यू इंटू वी से करते हो तो ये क्या कहता है, यू तो ऐसा का ऐसा, वी का क्या हो जाएगा डी वी, फिर प्लस वी ऐसा का ऐसा, और ये क्या हो जाएगा डी यू, ठीक है। तो यही कहानी यहां आती है, ये क्या कहता है, एफ एक्स तो ऐसा का ऐसा, और जी एक्स का डिफ्रेंशिएट यानी कि डेल ऑपरेट कर दो, फिर प्लस, फिर जी एक्स ऐसा का ऐसा, एफ एक्स पे क्या कर दो, डेल ऑपरेट कर दो, क्लियर। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना, यहां एच लगा देना, एच ऐड कर देना, बस इतना सा ध्यान रखना, यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आता है इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज, ये क्या कहता है, आपको यू अपॉन वी से करना है, यू अपॉन वी का करना है, तो हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर करते हैं, मतलब वी इंटू वी, वी स्क्वायर को मैं नीचे वी इंटू वी लिख सकता हूं, फिर क्या करते हैं, वी ऐसा का ऐसा यू का डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस, फिर यू ऐसा का ऐसा वी का डिफ्रेंशिएट, ऐसा ही तो करते हैं अपन, ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये डी यू और ये डी वी, इस प्रकार से हम करते हैं। तो सेम हम इसको भी कर सकते हैं, यू अपॉन वी से नीचे वाला क्या स्क्वायर, मतलब जी एक्स को आप दो बार लिख दो नीचे, ये जी एक्स और ये जी एक्स। अब ये आपको ये पता याद रह जाएगा कि ये दो बार सेम नहीं आएगा, ठीक है, जी एक्स नहीं आएगा, मतलब दोनों में से एक क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। तो x प्लस एच कर दो, बाकी सेम कहानी है, जी एक्स ऐसा का ऐसा एफ एक्स का अवकलन, फिर माइनस, फिर एफ एक्स ऐसा का ऐसा जी एक्स का अवकलन यानी कि उसका डिफरेंशिएट, बस ये ध्यान रखने का सीधा सा तरीका होता है इनको, ठीक है। यहां से आपको इजीली याद रह जाएगा, याद रखने में मेरे ख्याल से इन प्रॉपर्टीज को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रख लेते हो तो काफी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, आप इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका डेल साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है। डेल साइन ए एक्स प्लस बी यानी कि आपको डेल ऑपरेट करना है, मतलब एक्स की जगह सबसे पहले साइन ए, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस बी, फिर माइनस साइन, यहां क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आपके पास एक साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी, ये आपको क्या कहता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये एक फॉर्मूला आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ के आए हो। तो मैं इसको पूरे को सी मानता हूँ, इसको पूरे को मैं डी मानता हूँ, तो देखना आगे की कहानी, पहले एक को अंदर ले लेता हूँ, तो साइन ए एक्स प्लस, यहां बी लिख दो, फिर प्लस ए एच अलग कर दो, क्यों, क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी सेम सा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक को अंदर ले गया, तो ए एक्स प्लस ए एच, ए एच को मैंने यहां रख दिया और बी को मैंने साथ में रख दिया, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना, साइन सी प्लस डी बाई टू, सॉरी टू कोस सी प्लस डी बाई टू, मतलब ये सी प्लस डी,
तो कितना हो गया ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस ए एक्स प्लस बी बटे दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और साथ में इंटू साइन सी माइनस डी, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस ए एक्स माइनस बी बटे दो। क्लियर कहानी? यहां से देखो टू कोस, ये देखो ए एक्स प्लस ए एक्स टू ए एक्स और बी साथ में तो टू बी, तो टू तो कॉमन ले लो, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, इसके टू अलग कर दो, इसके टू अलग कर दो, ये टू से टू कैंसिल, फिर इंटू साइन ये ए एक्स प्लस बी और ये कैंसिल, तो साइन ए एच बाई टू हो गया। ठीक है, यहां से नई कंडीशन आपके सामने आ गई ये वाली। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा और आगे जा सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू और साइन ए एच बाई टू। ठीक है, कोस को मैं, कोस दूसरे में कैसा होता है, सॉरी साइन दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, पाई बाई प्लस टू क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये चीज पता है सभी को। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। क्लियर? आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम करेक्ट है यहां पर। ठीक है, तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने क्यों इसको साइन में चेंज किया, क्योंकि यहां साइन था इसलिए ये साइन में ही मैंने पूरा ले लिया, तो ये काफी अच्छा रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो देखना, टेन ए एक्स प्लस बी, टेन और एच का मान आपको दिया हुआ है यहां, देखना एच का मान वन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल टेन ए एक्स प्लस बी और यहां एच का मान आपको वन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो डेल टेन ए एक्स प्लस बी बराबर, ठीक है, यहां मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर डेल ऑपरेट करता हूं। ठीक है, डेल ऑपरेट करता हूं, तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस एच लिख दूंगा, तो टेन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस टेन ए एक्स प्लस बी। एच का मान कितना है सर, वन है, तो यहां क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं क्या करता हूं, इसको साइन कोस में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए बट्टे कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए। मैंने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए एक्स और इसके साथ करूंगा तो ए, और प्लस में बी, ये बी तो यहां हो जाएगा और साथ में ए, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी बटे कोस ए एक्स प्लस बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं क्या करता हूं, नीचे वाला पार्ट में एलसीएम ले लेता हूं, तो देखना कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए और कोस ए एक्स प्लस बी, ये मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूंगा तो देखना यहां से मेरे पास बचेगा कोस ए एक्स प्लस बी और साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए, फिर माइनस, फिर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए, ये आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, याद हो तो साइन ए कोस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस
बी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? देखो यहां से तो ये साइन ए, ये कोस बी, फिर ये साइन बी कोस ए। ठीक है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ये क्या है, बी है, ये ए है। तो दिख रहा आपको, साफ साफ दिख रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो साइन ए का मान कितना है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए, माइनस बी का मान है ए एक्स और माइनस बी, बटे कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए और कोस ए एक्स प्लस बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा साइन ए बटे कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए और कोस ए एक्स प्लस बी, ये फाइनल टर्म आ जाएगी आपके पास, और डेल टेन ए एक्स प्लस बी का ये क्या होगा आपके पास, फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा आपके पास, फाइनल आंसर होगा टेन ए एक्स प्लस बी का। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो डेल ऑपरेट करना मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन के द्वारा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल टेन इनवर्स एक्स, तो सॉल्यूशन करते हैं, सीधा सा है, डेल टेन इनवर्स एक्स बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे वन प्लस टेन ए, वन प्लस ए इंटू बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एच बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी। ठीक है, यहीं लिख देते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और देखते हैं इसमें एच का मान भी आपको दिया हुआ है, एच का मान आपको वन दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो डेल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करता हूं। तो देखना, डेल वन अपॉन, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो, डेल वन अपॉन, यहां से एक्स कॉमन लेता हूं तो एक्स प्लस थ्री, प्लस टू कॉमन लेता हूं तो एक्स प्लस थ्री। क्लियर, यहां से देखो, डेल वन अपॉन एक्स प्लस थ्री कॉमन लेता हूं तो यहां से ये एक्स प्लस टू बन जाएगा। क्लियर कहानी? आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से देखना, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर डेल ऑपरेट करता हूं, डेल ऑपरेट करता हूं, तो देखना वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस थ्री और एक्स प्लस एच प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू। एच का मान कितना दिया हुआ है सर, आपको एक दिया हुआ है, तो यहाँ एच की जगह एक और यहाँ भी एच की जगह एक, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू। क्लियर कहानी? यहाँ से जो भी टर्म आपके पास एलसीएम आती है उनको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखना, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू क्या आ रहा है मेरे पास, एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा सर एक्स प्लस टू। क्लियर? माइनस यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स प्लस फोर। क्लियर कहानी? ये टर्म मेरे पास बच जाएगी,
यहाँ तो मेरे पास x प्लस टू बचेगा, फिर माइनस यहाँ मेरे पास x प्लस फोर बचेगा। तो देखो x प्लस टू माइनस एक्स माइनस फोर बटे x प्लस टू, इनको सीक्वेंस में लिख देता हूँ, x प्लस थ्री और x प्लस फोर। यहाँ से देखो x से x कैंसिल, टू माइनस फोर तो माइनस का टू, तो माइनस का टू अपॉन x प्लस टू एक्स प्लस थ्री और x प्लस फोर। तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी पहले पूछे गए हैं, 2004 2005 में पूछे गए हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ये तो फर्जी सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं एक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डेल e की पावर ए एक्स, डेल e की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है। तो डेल, एक चीज देखो, सबसे पहले इसको एक फंक्शन मानो, लेट एफ एक्स बराबर e की पावर ए एक्स, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन का ये गुणन है। हमें दो मतलब परिमित कलन, मतलब फाइनाइट डिफरेंस निकालना है दो गुणन फलनों का, दो फलनों के गुणन का हमें क्या निकालना है, फाइनाइट कैलकुलस निकाल, फाइनाइट डिफरेंस निकालना है। तो और इसको मान लो जी एक्स बराबर लॉग बी एक्स, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या, e की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स, बिल्कुल एकदम सही है, ये मान लिया। तो यहाँ से नया क्वेश्चन आपके पास बन गया डेल एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, ये बन गया आपके पास डेल एफ एक्स जी एक्स, ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह एफ एक्स माना है तो एफ एक्स, इसकी जगह जी एक्स माना है तो जी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पहला ऐसा का ऐसा लेकिन साथ में एच एड कर देना और दूसरे के ऊपर डेल ऑपरेट कर दो, फिर प्लस, फिर जी एक्स ऐसा का ऐसा और दूसरे पर डेल ऑपरेट कर दो। मीन्स मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो डेल जी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक डेल एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ डेल ऑपरेट करता हूँ, तो सिंस डेल एफ एक्स बराबर डेल ई की पावर ए एक्स, मैंने डेल ऑपरेट कर दिया, यहां से मैं इसके ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो ई ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो मेरे पास सर ई की पावर ए एक्स प्लस ए एच माइनस ई की पावर ए एक्स, इसको मैं दो जगह लिख सकता हूँ, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एच माइनस ई की पावर ए एक्स, यहाँ से मैं ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास ई की पावर ए एच माइनस वन बच जाएगा, क्लियर। सिमिलरली मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ मेरे डेल जी एक्स की भी, तो डेल जी एक्स बराबर डेल लॉग बी एक्स, ठीक है, यहाँ से मैं डेल ऑपरेट करता हूँ, तो लॉग बी एक्स प्लस एच माइनस लॉग बी एक्स, यहाँ से देखना लॉग बी एक्स प्लस बी एच माइनस लॉग बी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बी एक्स प्लस बी एच बटे बी एक्स, ये कंडीशन, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, क्लियर। अब मेरे पास डेल जी एक्स की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास डेल एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, मैं सारी वैल्यूज मेरी उस समीकरण में रख देता हूँ इस वाली में, ठीक है। तो देखना यहाँ से मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर डेल एफ एक्स की, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, डेल एफ एक्स की वैल्यू आई मेरे पास e की पावर ए एक्स और e की पावर ए एच माइनस वन, एंड डेल जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई लॉग बी एक्स प्लस एच, तो बी एक्स प्लस बी एच, ठीक है, एकदम सही है, लॉग बी एक्स प्लस बी एच बटे बी एक्स, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, वैसे ये फेयर काम है, इसको आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप एज इट इज लिखोगे। अब देखना यहाँ से एक
इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज वापस लेता हूं, तो डेल e की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच, मतलब x की जगह h लिखो, x प्लस h लिखो, तो e की पावर a x प्लस एच डेल जी एक्स, डेल जी एक्स का मान वो रहा सर लॉग बी एक्स प्लस बी एच बटे बी एक्स, फिर प्लस जी एक्स कितना है लॉग बी एक्स है, इंटू डेल एफ एक्स का मान कितना है, डेल एफ एक्स का मान ये रहा इंटू e की पावर ए एक्स और e की पावर ए एच माइनस वन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? पूरी समीकरण में से आप e की पावर ए एक्स कॉमन ले सकते हो, तो e की पावर ए एक्स कॉमन लेते हो तो यहाँ तो बचेगा मेरे पास e की पावर ए एच और लॉग बी एक्स प्लस बी एच बटे बी एक्स, फिर माइनस यहाँ से आप लॉग बी एक्स और e की पावर ए एच माइनस वन। ठीक है, ध्यान रखना इसको ऐसे लिख लो ताकि कन्फ्यूज ना हो, e की पावर ए एच माइनस वन और log बी एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज देखो इसमें क्या किया गया है, यहां से b को कॉमन लेके काटा गया है, ठीक है, और फिर x का भाग दिया गया है, तो यहां तो वन, ये इस प्रकार से किया गया इसको। ठीक है, बुक में ये रिजल्ट है आपका, दोनों रिजल्ट सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काट देना, बी को वैसे भी कट रहा था वो, अपन ने ध्यान नहीं दिया। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डेल, अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफी, और अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन होगा और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। ठीक है, और इस पेपर के बारे में कल मैंने जब शुरुआत की थी तब भी मैंने इस पेपर के बारे में बताया था कि ये काफ़ी हाई स्कोरिंग पेपर है, जितने चाहो उतने नंबर आप इसमें इजीली ला सकते हो। ठीक है, इस पेपर में कुछ भी, मतलब रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा किचड़ पिचड़ किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सीधे सीधे से मेथड है, सीधे सीधे से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर दो चार क्वेश्चन यहाँ मैं करवाता हूँ, दो चार क्वेश्चन आप करते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके जितने भी नंबर का होता है ये पूरे में से पूरे नंबर देकर जाने वाला पेपर है। ठीक है, रेयर ही, मतलब इसमें क्योंकि एक कैलकुलेटर भी इसमें अलाउ होता है, अब कई सोच रहे हैं कैलकुलेटर कहाँ अलाउ होगा, क्योंकि अभी तो पेपर की शुरुआत हुई है, आगे कई, मतलब कई ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहाँ हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ हम कुछ सेकेंडों में ही, मतलब कुछ पल में ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें उस कैलकुलेटर में कुछ ट्रिक्स भी चलती हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और पूरी की पूरी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें एक भी ऐसी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर दो, डेल टू की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ से एच बराबर वन दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, एफ एक्स बटे जी एक्स में दिख रहा है, मतलब भागफल वाले में दिख रहा है, एफ एक्स बटे जी एक्स में दिख रहा है। मैं इसको मान लेता हूँ लेट एफ एक्स बराबर टू की पावर एक्स एंड लेट जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखो, अब यहां वैल्यू रखता हूं तो डेल एफ एक्स बटे जी एक्स बराबर, ये क्या होता है जी एक्स प्लस एच जी एक्स, जी एक्स ऐसा का ऐसा एफ एक्स के ऊपर डेल ऑपरेट कर दो, फिर माइनस एफ एक्स ऐसा का ऐसा और जी एक्स पे डेल क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो डेल एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, एक मुझे डेल जी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो डेल एफ एक्स बराबर डेल टू की पावर एक्स, ठीक है, बराबर, तो टू की पावर
एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस टू की पावर एक्स, एच का मान सर आपको एक दिया हुआ है तो यहां ये कर दो, तो टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वन माइनस टू की पावर एक्स, यहां से टू की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो यहां टू माइनस वन बचेगा, टू माइनस वन का मतलब कितना होता है, वन होता है, तो टू की पावर एक्स, अर्थात मुझे डेल एफ एक्स का मान कितना मिला सर, टू की पावर एक्स मिला। सिमिलरली मैं अब वैल्यू निकालूंगा किसकी, डेल जी एक्स की, तो देखना डेल जी एक्स बराबर, यहां डेल ऑपरेट करता हूं मैं, तो डेल एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, यहां से मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस एच लिख सकता हूं, तो एक्स प्लस एच प्लस वन, फिर माइनस और साथ में फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, यहां से एच का मान सर कितना है अपने पास, वन है, तो एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सा ओपन करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, यहां से सर मेरे पास एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा एक्स प्लस टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना बचेगा, वन बचेगा, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये मेरे पास डेल जी एक्स का मान आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो दोनों वैल्यूज में यहां एक बार ऊपर लिख देता हूं, इसको साफ करके फिर आगे करते हैं, तो डेल एफ एक्स बराबर मिला टू की पावर एक्स एंड डेल जी एक्स बराबर मुझे मिला एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, ये कंडीशन मिली। ये सारी वैल्यूज में मेरी इस समीकरण में पुट करता हूं, तो देखना तो देखो डेल एफ एक्स का मान कितना है, टू की पावर एक्स बटे जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन फैक्टोरियल बराबर जी एक्स का मान कितना है, आप देखो जी एक्स का मान ये रहा एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, और डेल एफ एक्स का मान कितना है, डेल एफ एक्स का मान टू की पावर एक्स ही आएगा, एक बार देख लेते हैं, टू की पावर एक्स ही आता है इसका मान, डेल जी एक्स का मान कितना है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एफ एक्स का मान टू की पावर एक्स है और डेल एफ एक्स का मान भी टू की पावर एक्स ही आया अपने पास, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, टू की पावर एक्स माइनस एफ एक्स का मान कितना है, टू की पावर एक्स है और डेल जी एक्स का मान कितना है, डेल जी एक्स का मान है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल बटे जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एच प्लस वन का फैक्टोरियल और एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, एच का मान आपके पास वन है तो ये वन लिख दो। आगे चलो यहाँ से देखो पूरे में देखो एक्स प्लस वन फैक्टोरियल टू की पावर एक्स और एक्स प्लस वन फैक्टोरियल टू की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वन फैक्टोरियल टू की पावर एक्स कॉमन लिया तो अंदर वन माइनस एक्स प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, बट्टे यहाँ से एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल और एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल। क्लियर, यहाँ से देखो टू की पावर एक्स, इसको पहले लिख देता हूँ, टू की पावर एक्स को पहले लिख देता हूँ एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल और वन से वन कैंसिल तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स बट्टे एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल और x प्लस वन का फैक्टोरियल, यहाँ से x प्लस वन का फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो अपने पास बचेगा यहाँ से डेल टू की पावर x बटे x प्लस वन का फैक्टोरियल बराबर माइनस x टू की पावर x बटे x प्लस टू का फैक्टोरियल, ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, माइनस एक्स टू की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल, ये क्या होगा दोस्तों, अपना फाइनल आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अपना, ठीक है। तो ये एक आधा क्वेश्चन और है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस देखो सारे इसके कैलकुलेशन के हैं और इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ नहीं है, बस डेल को ऑपरेट करते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ। अगला क्वेश्चन आता है अपना, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, डेल टू ए की पावर एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना यहां क्या करना है, मैं सबसे पहले डेल ए की पावर एक्स लेकर चलता हूं, ठीक है, ये लेकर चलता हूं, फिर इस पे एक बार दोबारा डेल ऑपरेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां से देखना, एक को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, कैसे, कम्यूटेटिव से, ठीक है, एक को तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहां से इसके ऊपर ऑपरेट करता हूं तो देखना ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, तो ए इसको लिख सकता हूं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, यहां से मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ए ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा मेरे पास ई की पावर एच माइनस वन, क्लियर सभी स्टूडेंट को, ठीक है, तो यहां से ई ए ई की पावर एक्स और ई की पावर एच माइनस वन, ये मेरे पास एक आ गया क्या, डेल ए ई की पावर एक्स आ गया, क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई। अब मैं क्या करता हूं, एक बार दोबारा ऑपरेट डेल दोनों तरफ ऑपरेट करता हूं, तो ये डेल, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेज का थंक नियम, एक पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो ये डेल टू ए की पावर एक्स बराबर, यहां देखो ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ई की पावर एच माइनस वन, बचेगा क्या मेरे पास अंदर, डेल ई की पावर एक्स बचेगा। वापस इसको सोल्व करते हैं, तो ए ई की पावर एच माइनस वन, तो ऐसा का ऐसा, ये ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, वापस इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ए ई की पावर एच माइनस वन, यहां से e की पावर x कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा e की पावर h माइनस वन, तो ये हो गया a e की पावर h माइनस वन का होल स्क्वायर और e की पावर x, ठीक है। अब देखो सिमिलरली आपको अगर ये डेल क्यूब दे दे तो, ठीक है, डेल क्यूब a e की पावर x पूछ ले तो क्या कर दो, एक बार दोबारा डेल ऑपरेट कर दो दोनों तरफ, तो डेल ऑपरेट करोगे तो ये तो डेल क्यूब a e की पावर x बन जाएगा बराबर, यहां से देखो a e की पावर h माइनस वन का होल स्क्वायर और डेल e की पावर x, क्लियर सभी को। यहां से आगे देखना, मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, a e की पावर h माइनस वन का होल स्क्वायर और e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, e की पावर x दोबारा कॉमन ले लो तो a e की पावर h माइनस वन, e की पावर x कॉमन लिया तो e की पावर h माइनस वन, ठीक है, ये होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो a e की पावर h माइनस वन का क्यूब e की पावर x, क्लियर सभी स्टूडेंट को। मतलब जब यहां तीन है तो यहां तीन है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहां एक पावर थी, ठीक है, सॉरी एक पावर में, तो यहां एक पावर थी तो भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ, ये देखो सेम आ रहा है, बस यहां जब दो पावर हो गई तो ये स्क्वायर बन गया, जब यहां तीन पावर हो गई तो ये क्यूब बन गया, इसी प्रकार जब चार पावर होगी तो ये क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा, डेस 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 आप चलते रहोगे, डेल की पावर एन ए ई की पावर एक्स बराबर, ये क्या बन जाएगा, ए ई की पावर एच माइनस वन की पावर एन ई की पावर एक्स, ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक ये एच है, ध्यान रखना ई की पावर एच माइनस वन की पावर एन ई की पावर एक्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछेगा तो ये यहां तक इसके पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है, कई बार ये इतना भी पूछ लेता है, लेकिन यहां तक आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां तक ये पूछ सकता है आपको। आगे चलते हैं, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है डेल टू
फाइव एक्स प्लस 12 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और यहाँ h का मान आपको दिया हुआ है एक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेल ही लेकर चलो। ठीक है, डेल 5x प्लस 12 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो डेल 5x प्लस 12 बटे इसको फैक्टर करोगे तो ये आपको x प्लस 2 और x प्लस 3 में मिल जाएगा। क्लियर, यहां से मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियली फैक्टर में बदल लूंगा, यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ लूंगा। कैसे करते हैं ये चीज, सभी स्टूडेंट को याद हो तो हमने किया था, 5x प्लस 12 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर। इसको पार्शियली फैक्टर में अपन तोड़ते हैं, a अपॉन x प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। यहां से मैं क्या करता हूं, ए और बी की वैल्यू निकालता हूं। कैसे निकालता हूं, पूरी समीकरण को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां ये बचेगा मेरे पास 5x प्लस 12, इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहां x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा और a, फिर प्लस यहां क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा और साथ में b। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये रफली वर्क है। आपने 11th या 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़े थे तब आपने पार्शियली फैक्टर काफी बार किए हैं। पीछे वाली क्लास में अगर आप आई स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए थे तो लास्ट ईयर कुछ पेपर जो मैंने पढ़ाए थे उनमें आपको पार्शियली फैक्टर करना मैंने बताया था। तो यहां से देख लो, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स के जो कोफिशियंट है उनको मैं कंपेयर करूंगा। तो इधर x का कोफिशियंट 5 है बराबर, इधर x का कोफिशियंट क्या है, a है, इधर x का कोफिशियंट क्या है, b है। तो एक समीकरण तो आ गई, a प्लस b बराबर 5। फिर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा, तो इधर तो मेरे पास कांस्टेंट 3 है, इधर 2b है, तो 3a प्लस उधर 2b बराबर इधर कितना है, 12। ठीक है, ये दो समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरण से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, a और b के मान निकाल लेता हूँ, इसको 2 से गुणा करके घटा देता हूँ, तो ये कितनी बन जाएगी, 10, ये 2, ये 2। अब घटा दो, घटाऊंगा तो ये तो कैंसिल, ये माइनस का 2 बराबर ये माइनस का a, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो a प्लस b बराबर कितना था, 5 था, तो a का मान 2 रखो तो b का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। मींस ये पार्शियली फैक्टर में चेंज होके क्या आ गया, a का मान 2 और b का मान 3। मतलब इस समीकरण को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहां चेंज कर दो इसको, डेल 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यह रफ वर्क था, आपको मैंने पार्शियली फैक्टर में चेंज करना बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, डेल को ऑपरेट करो आप अंदर। ठीक है, अब डेल को मैं अंदर लेके जा सकता हूं, तो 2 डेल 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 डेल 1 अपॉन x प्लस 3। यहां से देखो 2, अब यहां अप्लाई करो 1 अपॉन x प्लस h, h का मान कितना 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, फिर प्लस 3 डेल, यहां करते हो तो 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। यहां से क्या करता हूं मैं, x प्लस 2 x प्लस 3 क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, तो 2 x प्लस 2 और x प्लस 3 मैंने एलसीएम लिया, तो यहां तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, x से x कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया, तो माइनस 1 इधर आएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2, फिर प्लस ये 3। यहां देखो मैं एलसीएम लेता हूं तो सेम कहानी, यहां भी कितना बचेगा, माइनस का 3 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 4, ये कहानी यहां पर मेरे पास बच गई। ठीक है, इसके जो मैंने इसके ऊपर एक बार डेल ऑपरेट किया तो मुझे ये टर्म मिली। यहां से क्या कर लो आप, x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, इसको क्या ले लो आप, x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 को एलसीएम ले सकते हो। तो देखना, या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ दो। यहां से एक बार आप दोबारा डेल ऑपरेट कर दो तो ये डेल स्क्वायर 5x प्लस 12 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये डेल यहां एक बार यहां आ जाएगा और ये डेल यही ले लो, ये डेल और ये डेल।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, डेल दोबारा ऑपरेट कर दो तो x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन इस प्रकार से हो जाएगा सेम, इसको कर लेना और लास्ट में इसको फाइनल आंसर निकाल देना। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब दो क्वेश्चन में जाते जाते आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है, दो क्वेश्चन में जाते जाते आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो मैंने जस्ट अभी करवा दिया था कंप्लीट, ठीक है, एक क्वेश्चन देखना, दो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, दोनों ही करवा दिए बेसिकली, देखा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूंगा, वैसे मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए अभी, जो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो यही वाला क्वेश्चन था एन तक, ठीक है, दो तक जिसको किया था ना वो एन तक आ गया। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन है, डेल की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी एच बराबर वन, ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, e की पावर ax, वहां क्या था क्वेश्चन, डेल टू e की पावर ax, यही था क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, डेल टू a e की पावर x था, a e की पावर x था, इसको मैंने n टाइम्स तक निकाल कर दिखा दिया था आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने n टाइम्स तक निकाल के दिखा दिया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले डेल e की पावर ax प्लस b को लेकर चलो आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a e a की पावर x प्लस एच यानी कि 1 प्लस b माइनस e की पावर ax प्लस b। अब यहां से देखो e की पावर ax प्लस b प्लस a, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस e की पावर ax प्लस b, पूरी समीकरण में से e की पावर ax प्लस b कॉमन आ जाएगा तो e की पावर a माइनस 1 बचेगा, ये एक आ गया। इसके ऊपर दोनों तरफ दोबारा डेल ऑपरेट करो तो ये डेल स्क्वायर e की पावर ax प्लस b और यहां डेल ऑपरेट यहां कर दो, ये तो कॉमन, ये तो सॉरी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा e की पावर a माइनस 1। इसके ऊपर जब आप अप्लाई करते हो तो देखना ये वापस देखो, ये सेम ही है डेल e की पावर ax प्लस b, तो हमें ये रिजल्ट क्या देगा, वापस हमें ये रिजल्ट यही देगा e की पावर a माइनस 1 और e की पावर ax प्लस b, तो ये तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो e की पावर a माइनस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर ax प्लस b। ठीक है, अब देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसी प्रकार क्यूब ले लो आप, तो डेल क्यूब e की पावर ax प्लस b बराबर e की पावर a माइनस 1 का क्यूब और e की पावर ax प्लस b। क्लियर, चलते जाओगे चलते जाओगे तो डेल एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी बराबर आपको मिलेगा ई की पावर ए माइनस वन एन और ई की पावर ए एक्स प्लस बी। सेम क्वेश्चन था डिटो जो अभी इसका किया था, वैसा का वैसा एज इट इज। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है और वो क्वेश्चन दिया हुआ है डेल एन साइन ए एक्स प्लस बी, सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फर्क इसमें नहीं आएगा, सेम का सेम एज इट इज करना है। कौन सा है क्वेश्चन, डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका रिजल्ट जो मैंने निकाला था वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, बुक से, फिर मैं आपको हिंट दे देता हूं। रिजल्ट आया था टू साइन ए एच बाई टू, टू साइन ए एच बाई टू, 2 साइन ए एच बाई टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस प्लस ए एच बाई टू और प्लस पाई बाई, प्लस पाई बाई टू भी था तो वो पाई बाई टू प्लस मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं। अब ध्यान रखना इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा, जैसे डेल टू निकालोगे आप तो डेल टू निकालोगे तो भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, सेम चलता रहेगा ये। ठीक है, आप इसमें डेल टू निकाल लो, डेल क्यूब निकाल लो, आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो देखना आप जब डेल टू निकालोगे, ये तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी का मान आया था आपके पास, डेल टू निकालोगे, डेल साइन ए एक्स प्लस बी निकालोगे आप तो चेंज होगा टू साइन ए एच बाई टू का
होल स्क्वायर, बाकी आगे वाला ऐसा कैसा, जब क्यूब निकालोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, इसी प्रकार एन टाइम्स तक चलते जाओगे तो ये एन हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट, इसका कंप्लीट होता है। तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे फिर वापस चलेंगे अपन अगली क्लास में, और उसकी एक फंडामेंटल थ्योरम्स है, कुछ छोटे मोटे दो एक क्वेश्चन और हैं, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब डेल को कैसे ऑपरेट करते हैं, टेबल के द्वारा डेल फाइंड करने की जो मेथड है, जो विधि है, वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट पार्ट, ई ऑपरेटर और है इसमें, अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ई भी है, फिर डी भी है, ठीक है, कई ऑपरेटर्स हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम ऑपरेटर भी है शायद। इस चैप्टर का नाम द फाइनाइट कैलकुलस है वैसे तो, लेकिन इसका ऑपरेटर भी बोलते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स ही चलते रहते हैं सारे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।